हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ आप कैसे ग्रो एप्लीकेशन पे आप जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है और आप नए हैं तो मैं आपको रेफरल लिंक दे दूँगा और आप जाके वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा का इंटरफेस होगा, आपको आपका पासकोड डाल देना है एक 4 डिजिट का। अगर आप चाहें तो फिंगरप्रिंट भी एक्सेस करवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ हमारे जो यहाँ टॉप इंडेक्सेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 बैंक है, फिन निफ्टी है और फिन निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है, BSE बैंकर्स है और जो इंडिया वैक्स है, VFX है। तो ये मैं तमाम जो हमारे ये इंडेक्सेस है, ये हमारे ग्लोबल इंडेक्सेस है जो कि अदर कंट्रीज़ के हैं। और USA के आप देख सकते हैं यहाँ फ्लैग बने हैं, USA, जापान, चाइना, जर्मनी, UK, फ्रांस, ये तमाम तरीके के हमारे पास फ़िलहाल इंडेक्सेस हैं। तो आपको बता दूँ अगर आपको जो है फ़िलहाल अगर आपको ट्रेड करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो आपको फ्यूचर ऑप्शन जो है वो एक्टिव कर लेना होगा। आप जैसे फ्यूचर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ग्रो में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो आप जैसे निफ्टी 50 पे क्लिक करते हैं तो देखिए 4 जुलाई यानी जो मैं आज डेट बना रहा हूँ आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी और ये एक्सपायर हो चुका है। और अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी इसकी 11 जुलाई को है। तो अगर आप जो है वो अगर कल के दिन यानी अगर 5 जुलाई को आप जो है बाय करने वाले हैं तो आपका जो इनिशियल पॉइंट होगा कि मार्केट कब क्लोज हुआ था, ये आपका इन टाइम होगा, एट द टाइम और इन टाइम और आउट द टाइम, ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों, बिकॉज इसके हिसाब से ही आपको मार्केट में ट्रेड करना है फ्यूचर ऑप्शन में। और यहाँ देख सकते हैं आप जो फ़िलहाल जो है ये ऊपर के जो 4 आपको दिख रहे हैं 86, 104 और 123 पुट प्राइस में, आपको अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो आपको ये तीनों प्राइस पे ही बाय करना है, बिकॉज ये 3 प्राइस पे ही अगर मार्केट ज़्यादा नीचे जाता है तो आपको ज़्यादा प्राइस मिलता है। और साथ ही साथ आप जो है जो इनिशियल जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं वही आप बाय कीजिएगा, एकदम नीचे का सस्ता कॉल ऑप्शन या सस्ता पुट ऑप्शन ना लीजिएगा, बिकॉज उसमें आपका जो है वो आपका कैपिटल जो है वो ज़ीरो होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। हीरो ज़ीरो कभी कभार ही बनता है दोस्तों एक्सपायरी के दिन, बट वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, आपको फ़िलहाल वो नहीं करना है। आपको जो फ़िलहाल काम करना है वो आपको जो अच्छा कॉल प्राइस होगा उसको बाय करके उसके बाद ही आपको आपका प्रॉफिट बुक करना है। तो आप देख सकते हैं चार्ट मैंने जैसे आपको दिखा दिया। साथ ही साथ ग्रुप में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको डिविडेंड वगैरह के बारे में भी पता लगता है कि डिविडेंड आज से 19 जुलाई के बीच में कौन कौन सी कंपनी ने अपना डिविडेंड घोषित किया। तो यहाँ देख सकते हैं टाटा पावर, SKF इंडिया, बालाजी अमाइंस, इन लोगों ने आज 4 जुलाई को दिया है। 5 जुलाई को जो है बहुत सारी और तमाम कंपनी है उन्होंने दिया है। तो इस तरह से आप अपना डिविडेंड वगैरह भी चेक कर सकते हैं ग्रो ऐप पे। उसके अलावा IPOs कौन से आ रहे हैं, IPO अभी फ़िलहाल ओपन कौन सा है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको एक IPO की कीमत जो है आपको कुछ पड़ रही 14,000 के लगभग और एक की कीमत 1008 के है, यानी एक शेयर प्राइस की कीमत 1008 है जिसमें आपको 14 शेयर मिलेंगे एक लॉट में। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं एमक्योर फार्मा के लिए और बंसल वायर इंडिया IPO के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो प्राइसेस डिफरेंट है और साथ ही साथ जो अपकमिंग IPO के बारे में आपको बताया जाता है। फिर हम बात करते हैं इक्विटीज़ के बारे में, हम इक्विटी में ऑल स्टॉक क्या ले सकते हैं, ये तमाम स्टॉक जो है आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, इसको इक्विटी में जो है आप फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये अकाउंट के सेटिंग इस तरह से अकाउंट डिटेल्स मिलेंगे आपको। तो है वो वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनीज़ आर्ट टेक, इसी तरह बने रहें।